अगर आप पबजी या फ्री फायर के लिए एक डिवाइस ढूंढ रहे हैं। क्या मैं क्या बोला तूने? अगर आप पबजी या फ्री फायर के लिए एक डिवाइस ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप डे टू डे यूजेज के लिए अच्छी डिवाइस चाहते हैं, आपको 6000 बैटरी के साथ G85 पर चिप चाहते हैं। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे रियलमी की Realme C25। क्या बढ़िया था गुरु। रियलमी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इन्हें काफी ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी डिवाइसेस हैं, काफी वैल्यू प्रोवाइड करती है यूजर्स को। और रियलमी C25 का पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है, आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस है। अगर आप गेमिंग के वाले से कोई डिवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो साथ बने रहिए। काफी ज्यादा बेस्ट डिवाइस है एक 20,000 के बजट में। फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आपको अवेलेबल होगी, उसके अलावा क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है। बहुत चंगा ना मैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से थम्स अप करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड सबसे पहले रियलमी C25 की बात करें, ये एक मिड रेंज की डिवाइस है, काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस है। समझ रहे हो ना। डिस्प्ले डिजाइन की बात की जाए 6.5K का एक IPS एलसीडी पैनल दिया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें जो सबसे बुरी बात यह की है इसमें नॉर्मल HD रेजोल्यूशन आपको दी गई है। अगर फुल HD 1080p की होती तो काफी ज्यादा कमाल हो जाता, लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं जिस प्राइस रेंज में आ रहा है। बाकी जो फीचर है काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। HD रेजोल्यूशन 720px के रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे, बैक में आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगी, लेकिन काफी ज्यादा शाइनिंग और काफी अच्छा डिजाइन इसमें दिया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट आपको साइड माउंटेड ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको पंच होल में सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट अगर इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, उसके साथ UI की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगी। बात करें अगर इसके चिपसेट की तो इसमें MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो इसका की पॉइंट है। काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, गेमिंग वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, काफी ज्यादा फोन की ऑप्टिमाइजेशन को ज्यादा कर देते हैं। उसके अलावा गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथ ओपी गेमिंग आपको करा देगा, क्योंकि जो GB के चिपसेट होते हैं काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट होते हैं गेमिंग के हवाले से। ओवरऑल नॉर्मल यूजेज के लिए काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस है, क्योंकि जो इसमें फीचर है आपको जिस प्राइस में ले आप सेकेंडरी फोन भी लेना चाहते हैं तो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप सोशल मीडिया के लिए कोई फोन लेना चाहते हैं काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी काफी ज्यादा बड़ी लगाई गई है। नेक्स्ट बात करें अगर बैटरी की तो बैटरी में आपको 5-6 हजार mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 6000 की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज है, काफी ज्यादा बड़ा बैकअप आपको देखने को मिलेगा। आप प्रॉपर गेमिंग करते हैं यानी कि आप 6000 बैटरी के साथ आप तकरीबन एक दिन आराम से गेमिंग कर सकते हैं, यानी 4-5 घंटे के लिए बैटरी डेड, यानी बल्कि आपकी 1 से 1.5 दिन तक आराम से बैटरी निकाल देगी। और अगर आप नॉर्मल यूजेज करते हैं यानी कि हल्की फुल्की सोशल मीडिया करते हैं तो आपकी बैटरी 2 दिन तक कहीं भी नहीं गई। काफी बड़ा बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी चीज इसमें लगाई गई है। इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज है। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ बैटरी तकरीबन आपकी 1.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा बड़ा बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रियल में काफी ज्यादा कमाल की चीज की है। गेमिंग चिपसेट के साथ काफी ज्यादा बड़ी आपको बैटरी भी इंसर्ट की गई है। और आज जो चिप सेट है बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन को भी काफी ज्यादा लॉन्ग कर देता है, बैटरी का बैकअप काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कीजिए अगर इसके कैमरा की, तो कैमरा इतने ज्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल यूजेज के लिए काफी ज्यादा अच्छे है। ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में इंसर्ट किया गया है। मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर वही पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये आप ट्रिपल कैमरा सेटअप क्यों लगा रहे हैं अगर 2-2 मेगापिक्सल का सेंसर ही देने, इससे बेहतर आप ड्यूल कैमरा लगा दें, लेकिन एक अच्छा सेंसर लगा दें, अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो लेंस, इस तरह का कोई लेंस लगा दें। यूजर के लिए काफी ज्यादा मुफीद और काफी ज्यादा यूजफुल और कैमरे की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करे। सेल्फी की बात की है तो 8 मेगापिक्सल की आपको पंच होल में सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर नॉर्मल कैमराज के लिए अगर डिवाइस लेना चाहते तो ये आप ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा अगर कहीजिए कि अच्छी फोटोग्राफी आपको करा देगा तो वैसी बात नहीं होगी। लास्ट में बात करें पाकिस्तानी मार्केट में कौन से वेरिएंट्स के साथ ये डिवाइस है, तो पाकिस्तानी मार्केट में एक ही वेरिएंट इसका है कि आज भी रेम 64 GB की रोम, लेकिन काफी ज्यादा जिस प्राइस रेंज में आ रहा है कि काफी वैल्यू फॉर मनी है, काफी ज्यादा अच्छी चीज है, मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा बात करें इसकी प्राइस और कहां से ये आपको काफी ज्यादा अच्छी प्राइस के साथ मिल जाएगा, तो आजकल ये दराज पे एक्सक्लूसिव लगा हुआ है। तकरीबन दराज में आपको 21,000 ऑफलाइन मार्केट में 21,000 रुपए दराज पे से मिल जाएगा, वैसे इसकी ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में प्राइस आपको 23,000 देखने को मिल जाएगी। ये दराज 1 से 2 दिन के लिए आया तो जल्दी से इसको बाय कर लीजिए, ये ना आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट में अगर ये 23,000 ऑनलाइन है तो तकरीबन
21 तक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन द्रास पे काफी ज्यादा अच्छी ऑफर्स भी आई हुई है, तो आप जल्दी से जाके द्रास से इसको बाय कर सकते हैं। तो फिर बात करें कि कौन से यूजर्स के लिए डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी है, तो अगर आप गेमिंग करते हैं और आपको बड़ा डिस्प्ले के साथ काफी ज्यादा अच्छी बड़ी बैटरी भी चाहिए, तो उन यूजर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस हो जाती है। इसके अलावा जो लोग अपने सेकेंडरी फोन के तौर पर यूज रखना चाहते हैं, यानी कि उस पर थोड़ी बहुत सोशल मीडिया हो जाए और लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस हो जाती है। लेकिन जो कैमराज के लिए स्पेशली डिवाइस होंगे, उनके लिए डिवाइस बिल्कुल प्रेफर नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की फोटोग्राफी के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम फोटोग्राफी के लिए ये डिवाइस आपके लिए अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद है काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कैसी लगी आपको ये डिवाइस मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।